सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वैभव शर्मा, इंटरनेट लेक्सिस एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जून एंड करंटली परस्यूइंग माई डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून। सो अवर टूडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अ वेरी फ्रेश यू नो न्यूज़ और यू कैन फ्रेश मुद्दा जो कि अभी यू नो बहुत न्यूज़ में चल रहा है, जो कि रामनाथ कोविंद जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में है। जो जैसे कि हम जानते हैं कि रामनाथ कोविंद जी ने ये एक यू नो वो अपने जब शहर गए थे जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, होम टाउन गए थे, तो उन्होंने एक यू नो बातों में उन्होंने ये बोल दिया कि जो मेरी जो सैलरी है 5 लाख रुपए, उसमें से तकरीबन 2.75 लाख रुपए जो है वो मैं टैक्स पे करता हूँ। लेकिन फिर सवाल उठने लगे कि जो प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है वो टैक्स फ्री होती है, वो टैक्सेबल नहीं होती, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, नहीं देना पड़ता, और अगर देना भी पड़ता है तो उनके इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो उनकी टैक्स की कटौती हो रही है वो 55% हो रही है, 55%, जबकि मैक्सिमम कटौती जो इस टाइम कोरोना के टाइम में जो यू नो गवर्नमेंट ने की गई है, गवर्नमेंट से यू नो गवर्नमेंट ने की है, वो 30% है यू नो अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर इन सभी पहलुओं को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि क्या जो प्रेसिडेंट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, उनसे क्या कोई मिस्टेक हुई है, क्या कोई मिस यू नो अंडरस्टैंडिंग हो गई है, या फिर उनसे गलती से ये ऐसे हो गया। तो आइए जानते हैं इस पूरे पहलू के बारे में, इस पूरी चीज़ के बारे में गौर से कि आखिर ये क्या है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि प्रेसिडेंट की जो तनख्वाह है वो 5 लाख रुपए की गई है। यू नो अभी जो प्रेसिडेंट की तनख्वाह है वो यू नो एक प्रोसेस होता है उसका देने का, और प्रेसिडेंट की ही तनख्वाह एक ऐसी है जो कभी घट नहीं सकती। मान लो अब जो प्रेसिडेंट की तनख्वाह 5 लाख रुपए है, तो इन फ्यूचर जो है जो कोई प्रेसिडेंट आएगा, जो भी कोई प्रेसिडेंट आएंगे या फिर रामनाथ कोविंद जी भी जो प्रेसिडेंट है, उनकी जो सैलरी है वो घट नहीं सकती। अब वो 5 लाख से 4.5 लाख, 3 लाख नहीं हो सकती, 1 रुपये भी नहीं घट सकती, वो इंक्रीज़ हो सकती है लेकिन डिक्रीज नहीं हो सकती। तो ये एक यू नो प्रेसिडेंट जो कि एक यू नो एक ऐसी पोस्ट है इंडिया के अंदर, सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, तो एक यू नो एक ये उनके लिए ये सुविधा हम कह सकते हैं कि ये बताई गई है। दूसरी बात ये कि हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं एक कंट्री के अंदर। हमने इंडिया की बात करें तो हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयर हैं जो प्रेसिडेंट है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। तो जो रामनाथ कोविंद जी जो प्रेसिडेंट जी हैं उन्होंने ये कहा था कि जो मेरी तनख्वाह है वो जो टैक्स कट के जो मेरे को मिलती है वो एक टीचर से भी कम है, एक टीचर भी मेरे से ज़्यादा कमा लेता है, रामनाथ कोविंद जी ने कुछ ऐसा कहा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जैसे मैंने कहा कि टैक्सेबल नहीं होती ये वो, उसके ऊपर कई मीम्स भी बन गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उनकी यू नो उनके उनको ट्रोल किया जा रहा था, उनके बारे में यू नो बोला जा रहा था। तो फिर यू नो अब देखते हैं कि आखिरकार क्या है ये, आखिरकार उस मुद्दे को कैसे देखा जा रहा है, क्या लोग ही हम ही मतलब क्या उसे मिस यू नो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उससे समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या कहा, या फिर उनसे बोलने में कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो पहले हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 59 के ऊपर, जो कि यू नो प्रेसिडेंट से जुड़ी सैलरी, प्रेसिडेंट के जो अलाउंस हैं उनके बारे में जो है वो बात करता है। तो उसके अंदर एक बात लिखी गई है कि द प्रेसिडेंट शाल बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज़ ऑफ ऑफिशियल रेजिडेंस एंड शाल बी ऑल्सो एंटाइटल्ड ऑफ सच एनरोलमेंट्स एमोलमेंट्स मतलब सैलरी अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज मेनी एज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट बाय द यू नो लॉ। और एक और बात कही गई है कि द सैलरी और द अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट शाल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग द हिज टर्म ऑफ ऑफिस। जैसा कि मैंने बताया कि वो कभी घट नहीं सकती जो एक प्रेसिडेंट की है, जैसे कि मान लो उन्हें 5 लाख मिल रहे हैं तो वो कभी घट नहीं सकते, उन्हें 5 लाख ही मिलेंगे जब तक कि उनका पूरा वो जो टाइम पीरियड है 5 साल का वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक उनका एक ऑफिशियल जो टाइम है वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक।
कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड शेड्यूल के अंदर भी इस रिलेटेड बात की गई है कि आखिर प्रेसिडेंट की जो सैलरी है, गवर्नर की भी सैलरी के बारे में उसमें बात की गई है, जो कि जो फर्स्ट टाइम जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद में फर्स्ट टाइम जो सैलरी रखी गई थी प्रेसिडेंट को देने के लिए वो 10,000 रुपये अमाउंट थी, जो कि अब बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है। पिछले 2-3 सालों में वो 2.5-3 लाख रुपये थी, भी वो बढ़ते बढ़ते 5 लाख तक अब पहुँच गई है। तो मेन क्वेश्चन ये है कि ये सैलरी आखिर रेगुलेट जो है वो कौन करता है, ऐसी ये जो प्रेसिडेंट की सैलरी है ये रेगुलेट कौन करता है। तो द प्रेसिडेंट्स अमोलमेंट्स एंड पेंशन एक्ट जो है 1951, अमोलमेंट्स का मतलब सैलरी होता है, तो एक ये पेंशन एक्ट बना हुआ है, इसके अंदर इसका देयर शाल बी पेड टू द प्रेसिडेंट बाय द वे ऑफ 5 लाख रुपीज़, ये इसमें अमेंड किया गया है। ये एक्ट है 1951 का, उसके अंदर पेंशन और रिटायरमेंट के बाद के प्रोसीजर की भी बात की गई है कि एक जो प्रेसिडेंट है वो खुद के जब वो ऑफिशियल उसका जो पीरियड चल रहा होता है उसे कुछ उन्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलते हैं, लेकिन जो है वो उनकी रिटायरमेंट के पश्चात भी उन्हें जो पेंशन है वो दी जाती है, 50% पेंशन दी जाती है, जैसे 5 लाख है तो 2.5 लाख पेंशन दी जाएगी, और जो है उन्हें एक एक हाउस दिया जाता है, वेल फर्निश्ड हाउस दिया जाता है जो कि लाइफ टाइम के लिए उन्हें दिया जाता है, और भी कई चीज़ें हैं वो भी उन्हें एज ए प्रिविलेज दी जाती है क्योंकि वो फर्स्ट सिटीज़न है इंडिया के। इसलिए अलाउंसेस की बात करें तो हम राष्ट्रपति भवन जो कि है जिसमें कि 340 कमरे हैं वो भी उन्हीं के अंडर में आता है, वो भी उन्हीं ही दिया जाता है हम कह सकते हैं, वो भी उन्हीं का होता है। ब्लैक मर्सिडीज़ बेंज S600 जो कि है वो उन्हें दी जाती है। मोटरकैड इंक्लूड फॉर्मर प्रेसिडेंशियल कार, एक बहुत सारे बहुत प्रिविलेज दिया जाता है प्रेसिडेंट को अगर हम बात करें इंडिया के अंदर। और अगर हम वैसे बात करें कि जो अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं उनके बाद में जो प्रणब मुखर्जी जब प्रेसिडेंट बने थे तो उन्हें भी एक बंगलो दिया गया था राजा जी मार्ग में दिल्ली के अंदर आफ्टर हिज रिटायरमेंट। देन तो आखिर सैलरी की बात करें तो द प्रेसिडेंट सैलरी इज चार्ज्ड, कौन चार्ज करता है, द प्रेसिडेंट सैलरी इज चार्ज्ड बाय फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड है एक इंडिया के अंदर, वो जो है वो प्रेसिडेंट की सैलरी चार्ज करता है। इन 2017 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम 1.5 लाख टू 5 लाख पर मंथ, जो कि 2017 में जो 1.5 लाख रुपये जो थी प्रेसिडेंट की तनख्वाह उसे बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया था। लेकिन अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या कर जो है सैलरी जो है वो टैक्सेबल है या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट उसके तहत ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो कि हेड्स ऑफ इनकम है, जहाँ पे सोर्सेज ऑफ इनकम की बात होती है, इनकम फ्रॉम अदर सैलरी ये वो जो बात होती है उसके अंदर जो है एग्जेम्पशन में नहीं रखा गया है प्रेसिडेंट की सैलरी को। हालांकि जो वॉलेंटरीली अगर प्रेसिडेंट चाहे या कोई भी इंडियन सदस्य चाहे तो वो वॉलेंटरी सरेंडर कर सकता है अपनी सैलरी को, जैसे APJ अब्दुल कलाम है वो चैरिटी के अंदर डाल देते थे अपनी सारी सैलरी को। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ है, तो हमने देखा कि किसी भी तरीके से जो है वो 51% जो है वो कटौती टैक्स की नहीं हो सकती, इसीलिए कोई गलती ही हुई है प्रेसिडेंट से ये बात करने में रखने में। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि कोरोना से जो कोरोना का पीरियड आया था उससे पहले जो है वो उनकी जो सैलरी है वो 30% जो कि स्लैब है उसके अंदर आती थी, इसलिए उन्हें 3.5 लाख रुपीज़ मिलते थे और अब उन्हें 2.45 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं। तो उसका कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आप तो उन्हें कन्फ्यूज़न हो गया हो कि मुझे कम कटौती ज़्यादा हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी 30% जो कि कट है उनमें उनकी वो आ गई है क्योंकि कोरोना पीरियड के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ कदम लिए हैं टैक्स को रिगार्डिंग, तो इसलिए हो सकता है कि उन्हें कन्फ्यूजन हो गया हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच मोर सच वीडियोज़ यू कैन वॉच नेक्स्ट क्लिक, थैंक यू सो मच।